देखिए आपको इस प्रकार ये ट्राइपॉड मिलेगा। सबसे पहले देखिए आपको इस प्रकार कैसे करना है, तो ये तीनों टांगों पर खड़ा दिखेगा। और यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा लूज करना है और इसको इस प्रकार हम निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर इसको वापस थोड़ा टाइट कर देना है ताकि ये वापस नीचे नहीं जाए। और इस प्रकार देखिए आपको यहाँ पर एक लेवल 5 मिलती है, जिससे आप इसे बीच में जब करोगे तो ये बीच में आएगा, तो आपका ट्राइपॉड सीधा रहेगा। तो इसे थोड़ा लूज कर सकते हो आप, जिससे कि इसको जल्दी से जल्दी ऐसे घुमाया जा सके, जिससे इसे घुमाकर वापस इसे टाइट कर सकते हो, ठीक है। और इसी प्रकार इसी को लूज कर सकते हो आप और इसको ऊपर से नीचे कर सकते हो, ठीक। और ये देखिए इसको थोड़ा लूज करना है और इस प्रकार इसे मान लीजिए आपको यहाँ पर ये आपका ट्राइपॉड यहाँ पर सेट है, तो इसे वापस टाइट कर देना है, ओके। अब देखिए दोस्तों ये मिलती है हमें मोबाइल लगाने के लिए, आपको यहाँ पर इसको लगा देना है, जैसे कि मैं इसे लगा देता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार आपको इसे लगा लेना है और आप जिधर मोड़ना चाहो इसे मोड़ सकते हो। और फ़ोन को देखिए यहाँ पर आप ये दिखाई दे रहा है, इसको आपको थोड़ा ऊंचा करना है इसका, और आप अपने फ़ोन को सेट कर देना है यहाँ पर, ओके। अगर आप खड़ा करके लगाना चाहते हो तो इसे आप इस प्रकार टेढ़ा करके लगा सकते हो। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसे और ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पर 3 स्टेप दिए गए हैं, इस तीनों को निकाल लेना आप और वापस यहाँ से बंद करते हुए जाना है। मैं इन तीनों को निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसकी हाइट पूरी से पूरी निकाल दी है इसे बाहर, और ये देखिए 4 फुट के लमसम है, यानी आपको ये ट्राइपॉड 4 फुट के आसपास मिल जाएगा। दोस्तों आप जितना चाहो इस ट्राइपॉड को उतना बना सकते हो। मैंने 2 स्टेप पर खड़ा कर रखा है, यानी इसके 3 स्टेप बाहर निकलते हैं, मैंने 2 स्टेप को वापस अंदर डाल दिए। और यहाँ पर देखिए जितना चाहो आप उतना छोटा कर सकते हो। फिर अब देखिए दोस्तों मैंने 3 स्टेप को अंदर डाल दिया है। अब देखिए दोस्तों मैंने कम से कम साइज में इसे कर दिया है।